गाइज एरिया हैव टू फिर से आ गया है। अगर आपको और ज़्यादा जानना है गेम के बारे में तो आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना है, मैं पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ गेम के बारे में। What's up YouTube? मेरा नाम है साइड स्पाइडी, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। मैं आ गया एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ और गाइज आज का शाउट आउट जाता है UFO प्रो गेमिंग जोन और पवन रॉक्सा को। गाइज चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबके सपोर्ट के बिना ये सब पॉसिबल नहीं था। तो और भाई मुझे UFO भाई एलियन लोग सपोर्ट कर रहे, इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। मस्ती कर रहे, बट गाइज सीरियसली आपके सपोर्ट के बिना ये सब पॉसिबल नहीं था। डेली कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ आप लोग के लिए और आपका जो रिस्पॉन्स आ रहा है मतलब अनबिलीवेबल, बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर रहे हैं रोज़ अपलोड करने के लिए वीडियो। तो यार बहुत बहुत थैंकफुल उस बात के लिए। और जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं यार जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लेते आऊँ। मैं गेम्स लीग गेम प्ले लीग्स अपडेट अपने चैनल पे लाते रहता हूँ, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। और मैं आप में से किसी बंदों को एक रैंडम शाउट आउट मेरे वीडियो पे देते रहता हूँ, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक भी कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आया तो। गाइज आप में से 50% लोगों ने तो कम से कम एरिया F2 गेम खेला ही होगा, इतना तो कन्फर्म है, क्योंकि यार ये गेम ने इतने कम टाइम में इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट किया था। और मतलब 5v5 मल्टीप्लेयर मोड था सिर्फ, बैटल रॉयल मोड भी नहीं था गाइज, तो भी इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट किया था गेम ने और बहुत ज़्यादा हिट हुआ था। पर 4 वीक्स के बाद ही गेम बैन हो गया और लोगों को इसके बारे में भनकते नहीं, खबर तक नहीं कि अरे अचानक गेम बैन कैसे हो गया, वैनिश कैसे हो गया प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। तो गाइज अभी ये मेन बात आती है कि ये गेम इतना जल्दी बैन क्यों हुआ। गाइज मैं फर्स्ट से क्विक रिकैप दे देता हूँ यार, रेनबो सिक्स सीज करके एक गेम था जो यूबीसॉफ्ट कंपनी ओन करती थी, और एरिया F2 जो गेम था ना ये फुल उसका रेप्लिका था, ऐसा समझ लो पूरा कॉपी पेस्ट, एकदम पूरा डुप्लीकेट था। और जब यूबीसॉफ्ट को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने एक केस फाइल कर दिया अगेंस्ट ऐप स्टोर और प्ले स्टोर। उन्होंने गेम डेवलपर के अगेंस्ट केस नहीं किया, उन्होंने प्ले स्टोर और ऐप स्टोर के अगेंस्ट केस कर दिया कि आपने हमारे परमिशन के बिना ये गेम को अलाउ कैसे कर दिया। सो गाइज यही मेन रीज़न था गेम बैन होने का। अभी बात करते हैं कि मेन गेम अभी कब रिलीज होगा, तो आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो एरिया F2 कमबैक ग्लोबल रिलीज डेट, बोल्ड में देखो आप नीचे एरिया F2 टू रिलीज ग्लोबल इन May 2021। गाइज ये मे में ही रिलीज होने वाला है गेम, पिछले साल भी अप्रैल में रिलीज हुआ था और अभी मे में रिलीज हो रहा है। और नीचे आप देख सकते हो उन्होंने ऐसा बताने के लिए कि गेम हमारा रेडी है उसके एक प्रूफ के लिए उन्होंने एक स्क्रीनशॉट डाला है गेम प्ले का, आप देख सकते हो कंट्रोल्स है सब पूरा, मतलब गेम रेडी है, सिर्फ अभी बेटा टेस्टिंग होगा और बेटा टेस्टिंग के बाद हमें गेम देखने मिल जाएगा। एंड गाइज बेटा वर्जन की अगर बात करें तो हमें बेटा वर्जन नहीं देखने मिलेगा, आप लास्ट लाइन देखना है स्क्रीनशॉट का, इट इज़ स्टिल अनश्योर वेदर प्लेयर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज विल बी एबल टू एक्सेस द बेटा यूजिंग अ VPN और नॉट। मतलब हम VPN के थ्रू यूज़ करके खेल पाएंगे या नहीं अभी तक ये 50-50 है, क्योंकि यार ये क्लोज बेटा शेड्यूल टू बिगिन फ्रॉम 2 अप्रैल एट 1 PM ब्राज़ील, मतलब ब्राज़ील में होने वाला है गेम अवेलेबल, सिर्फ बेटा वर्जन अवेलेबल, गेम तो ऑफिशियल ग्लोबल वर्जन पे रिलीज़ हो जाएगा पर बेटा वर्जन ब्राज़ील में ही मिलने वाला है। और हम शायद VPN से कर सकते हैं जुगाड़, ऐसा मुझे लग रहा है हम VPN के थ्रू कर सकते, पर इन लोग ने ऐसा नीचे बताया है कि VPN से यूज़ करके भी आप खेल पाओगे या नहीं ये पता नहीं, इट्स स्टिल अनश्योर ऐसा बोल रहे वो लोग। पर अगर कुछ हुआ गाइस तो मैं आपको उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, आप चाहे तो खेल सकते हो। अगर आपको अभी भी अगर गेम डाउनलोड करना है तो मैं आपको गेम का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। पर हाँ गाइज मैं अब भी क्लियरली बता रहा हूँ गेम चालू होगा पर उसमें सर्वर अंडर मेंटेनेंस या फिर सर्वर डाउन ऐसा कुछ तो लिख के आएगा, गेम चलेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि उन्होंने पूरा बंद कर दिया है वो गेम, अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है, बेटा वर्जन तक रिलीज़ नहीं हुआ है तो गेम चलेगा ही नहीं। एंड गाइज मैं गेम से रिलेटेड थोड़ा रिसर्च कर ही रहा था कि उतने में मुझे ये एक ट्वीट मिल गया, और गाइज उसमें लिखा है 5v5 मोबाइल असॉल्ट शूटर। और जिस बंदे ने ट्वीट किया है ना उसने मतलब ऐसा बोल रहा था कि शायद गेम का नाम चेंज हो सकता है, और मुझे ये काफ़ी हद तक सही लगा क्योंकि गेम का नाम चेंज करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर से यूबीसॉफ्ट शायद कुछ ना कुछ एक्शन ले लेगी और गेम फिर से बैन कर देगी। एंड गाइज ये गेम बैन हो चुका है एरिया F2 के नाम से, गेम बैन हो चुका है तो शायद एरिया F2 के नाम से गेम नहीं आएगा, पर जो भी डेवलपर्स रहेंगे वो सेम रहेंगे और गेम हमें फिर से देखने मिलेगा कुछ अलग नाम से, शायद मोबाइल असॉल्ट शूटर ये नाम भी हो सकता है या फिर कुछ अलग भी हो सकता है। बेटा वर्जन के पहले तो हमें पता चल जाएगा, मतलब 2 अप्रैल को तो आने वाला है बेटा, तो तभी हमें पता चल जाएगा कि गेम का ऑफिशियल नाम क्या है। एंड गाइस और प्रूफ के लिए आप देख सकते हो स्क्रीनशॉट है मेरे पास कि गेम रेडी है,
बेटा टेस्टिंग में, मतलब टेस्टिंग चल रही है गेम की, प्रोजेक्ट एफ टू आप देख सकते हो इधर, आप एरिया एफ टू और एक स्क्रीनशॉट है, गेस्ट मोड पे टेस्ट देखो, टेस्ट लिखा है, मतलब यार गेम ऑलमोस्ट पूरा रेडी है, टेस्टिंग हो रही है। और जब ये ब्राज़ील में रिलीज़ होगा बेटा के लिए, बेटा वर्जन, तो हमें पता नहीं देखने मिलेगा या नहीं, पर हम ट्राई करेंगे कि हम भी खेल सके गेम को, और अगर हम खेल पाएंगे तो यार मैं ज़रूर अपलोड करूँगा वीडियो। आपको बस सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल दबाना है, ताकि आप, मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आप वो वीडियो पर आके लिंक से डाउनलोड करके आप खेल सको। गाइज मैं आपको एक क्विक रिकैप दूँ, तो 2 अप्रैल को हमें बेटा मिलेगा और मई 2021 में हमें ऑफिशियल ग्लोबल रिलीज मिल जाएगा। होगा तो बेटा वर्जन का कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेंगे, उसके लिए आप स्टे ट्यून्ड, और मैं जल्द से जल्द हो सके तो वीडियो लाऊंगा उसके लिए भी जब रिलीज़ होगा तब। 2 अप्रैल तक तो रुकना है, 10 दिन तो है गेम आने वाला ऑलमोस्ट, और फिर मई में ग्लोबल रिलीज़ भी हो जाएगा, सेम कॉल ऑफ ड्यूटी जैसा 1 महीने बाद ही ऑफिशियल ग्लोबल रिलीज़ हो गया था गेम। तो यार मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड यार एरिया एफ टू के लिए, और एक से एक गेम्स आ रहे गाइस, अभी क्या करने का, एरिया एफ टू आ रहा है, एपेक्स लेजेंड मोबाइल आ रहा है, वैलोरेंट मोबाइल आ रहा है, फौजी टट्टी पता नहीं कब आएगा, पर फौजी के लिए भी एक्साइटेड है भाई, इंडियन गेम में सपोर्ट करना पड़ेगा। सिको आ रहा है, उसका भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख लेना, डिटेल वीडियो उसके ऊपर भी ज़रूर चेकआउट करना, मैंने डिटेल वीडियो बनाई है तीनों भी गेम्स के ऊपर, लिंक रहेगी डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर चेकआउट करना। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, अगर आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आया गाइस तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर दो वाले चैनल को, क्योंकि मैं ऐसे ही लीक्स, अपडेट्स, नए गेम के बारे में और कभी कभी गेम प्लेस भी डालते रहता हूँ, सब्सक्राइब कर ही देना। एंड हाँ गाइस भूलना मत, मैं अपने सब्सक्राइबर्स में से एक रैंडम शाउट आउट मेरे वीडियो पे देते रहता हूँ और आगे भी देते रहूँगा, तो बस आपको सपोर्ट करना है सब्सक्राइब करके, आपके सपोर्ट के बिना ये सब पॉसिबल नहीं है गाइस। और आपका जो पिछले कुछ वीडियोस से जो रिस्पॉन्स रहा है, सपोर्ट रहा है, बहुत ज़्यादा मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, और ऐसे भी आगे भी करते रहना गाइस। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अडियोस अमिगोस, सी या। That is supposed to be done. Guess that's why I'm number one. They don't know. Moments has only begun. Really, we're just having fun. Playing.